हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी में हजरत दीवान शाह दरगाह की बकाया बिजली बिल न भरने की वजह से बिजली कंपनी ने दरगाह की बिजली काट कर मीटर निकाल लिया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दरगाह की बिजली बिल भरने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने दरगाह की ट्रस्ट को बर्खास्त कर दिया था और दरगाह का चार्ज खुद संभाल लिया था। जानकारी के मुताबिक करीब 2018 से ही दरगाह का बिजली बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से बकाया रकम 94,620 रुपये है और इस बिल को चुकाने के लिए बाकायदा अपील बोर्ड लगाकर लोगों से चंदा देने की अपील की जा रही है ताकि दरगाह का बिजली बिल भरकर फिर से बिजली कनेक्शन लिया जा सके। जानकारी के अनुसार ये चंदा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया जा रहा है। अगर दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ट्रस्ट है उसे वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और काफ़ी अच्छे ढंग से काम हो रहा है यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पे पिछले ट्रस्ट वालों ने 1 रुपया पावर बिल नहीं भरा, जिसकी वजह से आज 94,000 रुपये बिल हो गई है, तो इसका खराज बढ़ते जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड के लोगों जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग अपने ढंग से अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और इसका खराज बढ़ते जा रहा है। 57 एकड़ ज़मीन है, 57 एकड़ ज़मीन एक इंच का भाड़ा भी नहीं आता दरगाह दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह को। तब तक पेटी के ऊपर और मस्जिद की जो है झोली के ऊपर और चंदा पोती पर तब तक इसका खराज चलेगा। तो मैं महाराज वक्फ बोर्ड से मांग करता हूँ कि जो ये जो भाड़े नहीं दे रहे, ये जो जमीनात के भाड़े नहीं दे रहे, उनको पर सख्त कार्रवाई की जाए और अच्छे ढंग से इस केस की जो पैरवी जो है अपलैंड कोर्ट में की जाए, जहाँ जहाँ ये केसेस चल रहे हैं। और ये जो है 57 एकड़ ज़मीन बहुत बेशकीमती ज़मीन हमारे लिए, यहाँ स्कूल कॉलेज बन सकता है और यहाँ की जो प्रॉपर्टी से भाड़े आए वो गरीबों यतीमों और मिस्किनों और गरीब बच्चों को वजीफा दिया जा सकता है, इतनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो मैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और ये कंट्रोल में आपके लिए अच्छा किया है, इससे बहुत बड़ा यानी सुधार हो रहा है यहाँ पर।